दोस्तों, ये रियल उपनिषद बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था, जिस चैप्टर तक पढ़ा था, उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो या फिर रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामशास्त्र, ये सब बुक को अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिएगा, या फिर चैनल का नाम यूट्यूब पे सर्च करके, कुछ अलग कुछ बच्चों को यूट्यूब पे सर्च करके उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो जल से भरे पात्र में अपने को देखो और फिर आत्मा के विषय में तुम जो ना जान सके हो वो मुझे बतलाना। तो ये सब बातचीत चल रही है उन दोनों में, पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था। इस वीडियो को समझने के लिए पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। प्रजापति का ये कथन सुनकर उन दोनों ने जल के पात्र में देखा। तब प्रजापति ने कहा, क्या देख रहे हो? दोनों ने उत्तर दिया, है भगवान, शरीर के रोम रोम और नख पर्यंत प्रतिबिंब रूप ये आत्मा हमको दिखाई पड़ रही है। प्रजापति ने उनसे कहा, तुम सुंदर अलंकार और वस्त्र धारण करके तथा समस्त देह को खूब परिष्कृत करके फिर जल के भीतर देखो। वे तदनुसार सुंदर अलंकार तथा वस्त्र धारण करके तथा परिष्कृत होकर जल पात्र में देखने लगे। प्रजापति ने पूछा, क्या देख रहे हो? उन्होंने कहा, हे भगवान, जिस प्रकार हम सुंदर अलंकार और वस्त्र से युक्त तथा परिष्कृत हैं, उसी प्रकार ये दोनों भी सुंदर अलंकार और वस्त्र वाले तथा परिष्कृत हैं। प्रजापति ने कहा, यही आत्मा है जो अविनाशी, अभय और ब्रह्म है। तो आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा भगवद गीता और अष्टावक्र गीता में भी कहा गया है। कृष्ण कहते हैं कि मैं सबके अंदर हूँ, तो वो आत्मा की बात कर रहे हैं। कृष्ण के जो भक्त हैं वो इस चीज़ को गलत समझ लेते हैं, और कृष्ण के जो हेटर्स हैं वो तो गलत समझते ही हैं। ठीक है, तो अष्टावक्र गीता भी आप समझ सकते हो भगवद गीता के। तो यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है। प्रजापति के वचन सुनकर वे संतुष्ट होकर चले गए। प्रजापति ने उनको दूर जाते हुए देखकर कहा, आत्मा को नहीं जानकर उसका अवरोक्ष अनुभव किए बिना जो ये जान रहे हैं, ये देवता हो चाहे असुर, जो ऐसे विचार वाले होंगे उनका पराभव भी होगा। विरोचन ने तो असुरों के पास पहुंचकर संतुष्ट भाव से बतलाया, आत्मा शरीर ही इस लोक में पूजने योग्य। यानी उन्होंने ही बताया कि आत्मा या शरीर ही इस लोक में पूजने योग्य, सेवा करने योग्य है। जो आत्मा को पूजेगा और उसकी सेवा करेगा, वो इस लोक और परलोक दोनों को प्राप्त करेगा। इसी कारणवश संसार में जो दान नहीं करता, श्राद्ध नहीं करता, यज्ञ नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को देखकर सज्जन पुरुष खेद पूर्वक कहते हैं, ये असुर स्वभाव वाला है। ये लक्षण असुरों के ही हैं। इसी से वे मृतक शरीर को भोजन, वस्त्र, अलंकार आदि से सज्जित करते हैं और समझते हैं कि हम इसी के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। पर इंद्र जब तक देवताओं के पास नहीं पहुंचा, तभी मार्ग से उसे इसमें भय जान पड़ा कि जैसे अलंकार पहनने से शरीर का प्रतिबिंब भी अच्छे अलंकार युक्त दिखाई पड़ता है, सुंदर वस्त्र धारण से वो सुंदर वस्त्र युक्त होता है, परिष्कृत होने से वो भी परिष्कृत दिखाई पड़ता है, इसी प्रकार अगर ये शरीर अंधा होगा तो उसका प्रतिबिंब रूप आत्मा भी अंधा होगा, अगर ये त्राम होगा तो वो भी त्राम होगा, अगर वो लूला होगा तो वो भी लूला होगा, और यदि यह शरीर नष्ट हो जाएगा तो इसकी प्रतिबिंब रूप आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। इसमें तो मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई पड़ता। तब तो वो इंद्र पुनः संविदा हाथ में लेकर प्रजापति के समीप उपस्थित हुआ। प्रजापति ने कहा, हे इंद्र, तुम तो संतुष्ट होकर विरोचन के साथ चले गए थे, अब किस इच्छा से फिर ये आए हो? इंद्र ने कहा, हे भगवान, जिस प्रकार इस शरीर के अलंकृत करने से इसका प्रतिबिंब रूप आत्मा भी अलंकृत दिखाई पड़ता है, सुंदर वस्त्र पहनने से वो भी सुंदर वस्त्र युक्त हो जाता है, परिष्कृत होने से वो भी परिष्कृत होता है, वैसे ही अगर ये शरीर अंधा हो जाए तो प्रतिबिंब रूप आत्मा भी अंधा होगा, अगर ये त्राम हो तो वो भी त्राम होगा, ये लूला हो तो वो भी लूला होगा, जब शरीर का नाश हो जाएगा तो वो भी नष्ट हो जाएगा। इससे मैं इस प्रतिबिंब रूप आत्मा के विचार में कोई लाभ नहीं देखता। प्रजापति ने कहा, हे इंद्र, तुम्हारा विचार ठीक है, मैं तुमको आत्मा के विषय में पुनः बतलाऊंगा। अब तुम पुनः 32 वर्ष तक यहाँ निवास करो। तब इंद्र
30 वर्ष तक वहाँ रहा और तब भगवान प्रजापति उससे कहने लगे। प्रजापति ने कहा, ये जो स्वप्न में पूज्यमान होता विरजता है ये वो आत्मा है, वही अविनाशी अभय और ब्रह्म है। इस वचनों को सुनकर इंद्र संतुष्ट होकर चला गया, पर देवताओं के पास पहुंचने से पहले ही वो इस विचार में ये दोष समझने लगा कि यद्यपि इस शरीर के अंधा होने पर स्वप्न का शरीर अंधा नहीं होता, इसके श्राम होने पर स्वप्न शरीर श्राम नहीं होता, इस शरीर के मारे जाने पर स्वप्नात्मा मारा नहीं जाता, यानी आत्मा का इसको इस शरीर का कोई भी होता है तो आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ता, यही बोला जाता है, और इसकी श्रामता के कारण ये श्राम नहीं हो जाता, पर स्वप्न में भी ऐसा जान पड़ता है कि कोई इसे मार रहा है, खदेड़ रहा है, अप्रिय प्रसंग से दुखी हो रहा है। मतलब जो स्वप्न देखता है, ड्रीम देखता है, तब ऐसा महसूस करता है, रो रहा है, इसलिए इस स्वप्नात्मा में भी कोई फल नहीं जान पड़ता। तब वो पुनः हाथ में संविदा लेकर प्रजापति के समीप आया। प्रजापति ने कहा, हे इंद्र, तुम तो संतुष्ट होकर चले गए थे, अब किस इच्छा से पुनः आया हो? इस पर इंद्र कहने लगे, भगवान, यद्यपि इस शरीर के अंधा होने पर स्वप्नों में यह अंधा नहीं हो जाता, ये श्याम हो तो स्वप्नों में श्याम नहीं हो जाता, इसमें कोई दोष हो जाए तो स्वप्नात्मा में वो दोष नहीं जान पड़ता, इस शरीर को मार डाला जाए तो स्वप्नात्मा मारा नहीं जाता, इसकी श्रामता में से उसमें श्रामपन भी नहीं आता, परंतु स्वप्न में भी ऐसा प्रतीत होता है कि कोई स्वप्नात्मा को मार रहा है, खदेड़ रहा है, शोक कर रहा है, रो रहा है, मुझे ऐसे स्वप्नात्मा में कोई फल नहीं दिखाई पड़ता। इंद्र की बात सुनकर प्रजापति कहने लगे, हे इंद्र, ये बात ठीक है, अब मैं तुमको फिर आत्मा का मर्म समझाऊंगा, तुम पुनः 32 वर्ष यहाँ रहो। इंद्र 32 वर्ष रहा, तब भगवान प्रजापति उससे कहने लगे, अब यह सोया हुआ सब तरह से शांत होता है और स्वप्नादि का भी अनुभव नहीं करता, वो आत्मा है, वही अमृत अभय और ब्रह्म है। प्रजापति के इस कथन को सुनकर इंद्र संतुष्ट होकर चला गया, पर देवों के पास पहुंचने के पूर्व ही वो विचार करने लगा, उस सुसुप्ति अवस्था में तो आत्मा अपने को भी नहीं जानता कि यह मैं हूँ, अन्य पदार्थों को भी नहीं जानता, और ऐसा हो जाता है मानो इसका नाश ही हो गया हो। इस सुसुप्ति अवस्था के आत्मा के मुझे कोई फल नहीं जान पड़ता। वो पुनः हाथ में संविदा लेकर प्रजापति के समीप पहुंचा। प्रजापति ने कहा, हे इंद्र, तुम तो संतुष्ट होकर चले गए थे, आप फिर से किस लिए आए हो? तब इंद्र ने कहा, हे भगवान, इस सुसुप्ति अवस्था में तो इस आत्मा को ये भी ज्ञान नहीं रहता कि मैं ये हूँ, ये अपने को नहीं जान पाता और न अन्य पदार्थों को जान सकता है और नष्ट जैसा हो जाता है, इसमें मुझे कोई फल नहीं जान पड़ता। प्रजापति ने कहा, हे इंद्र, ऐसा ही हो, अब मैं तुम्हें फिर से समझाऊंगा कि आत्मा भिन्न नहीं है, तुम 5 वर्ष तक यहाँ निवास करो, तब उसे 5 वर्ष हो गए तो 101 वर्ष पुनः हुए। इसी से ये कहा जाता है कि इंद्र ने प्रजापति के पास 101 वर्ष ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास किया, तब प्रजापति ने उसको बतलाया, हे इंद्र, ये शरीर मरण धर्म वाला और सदैव मृत्यु से घिरा हुआ है, अविनाशी और सशरीरी आत्मा इसमें निवास करता है, शरीर युक्त रहने पर ये सुख दुख से घिरा रहता है, सशरीर रहते हुए इसमें प्रिय अप्रिय का अंत नहीं हो सकता, पर जब यह अशरीरी हो जाता है, देहाभिमान को त्याग देता है, तो प्रिय अप्रिय इसे स्पर्श नहीं कर सकते। जिस प्रकार वायु शरीर रहित हैं, बादल, बिजली और मेघ की गजना भी सब अशरीरी है, ये जिस प्रकार आकाश में उड़कर सूर्य की प्रकृष्ट ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप में पहुंच जाता है, उसी प्रकार ये जीव शरीर से उठकर परम ज्योति ब्रह्म को पाकर अपने स्वरूप को पा जाता है, ये उत्तम पुरुष होता है, ये जीव उस अवस्था में सर्वत्र गमन करता हुआ हंसता, स्त्रियों, सवारियों, जाति बंधुओं के साथ क्रीड़ा करता हुआ रमण करता है, इस शरीर को स्मरण भी नहीं करता। इसकी उपमा उस घोड़े से दी जाती है जो किसी रथ में उसे खींचने को जोड़ दिया गया हो, वैसे ही प्राण इस शरीर में जोड़ा हुआ होता है। अब
जहाँ आकाश रूप में अनुप्रवेश पाया चक्षु से, वो चक्षु पुरुष है, उसके ज्ञान के साधन नेत्र हैं। जो ये समझता है कि मैं सूंघूँ, उसको गंध ज्ञान का साधन नासिका है। अब जो ये विचरता है कि मैं ये उच्चारण करूं, उसके वाक्य चरण के लिए वाणी है। जो चाहता है कि मैं श्रवण करूं, उसके लिए सुनने योग्य साधन स्वरूप कर्ण यानी कान है। अब जो ये विचरता है कि मैं मनन करूं या ध्यान करूं, यही आत्मा है, उसके लिए मन रूप देवी नेत्र है। वो आत्मा इस मनोरूपी देवी नेत्र द्वारा इन भोगों को देखता हुआ रमन करता है। जो ब्रह्मलोक के भोगों को देखता हुआ रमन करता है, उस आत्मा की देवगण उपासना करते हैं, इसलिए उसे सब लोक और सब भोग प्राप्त हो जाते हैं। जो पुरुष उस आत्मा को जानकर अनुभव करता है, वो सब लोकों और भोगों को पाता है, ऐसा प्रजापति ने कहा। मैं श्याम अर्थात हृदयस्थित ब्रह्म से सबल अर्थात ब्रह्मलोक को प्राप्त हूँ और ब्रह्मलोक से श्याम ब्रह्म भाव को पाऊँ। जिस प्रकार घोड़ा अपने रोमों को झाड़कर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार पापों को दूर करके मैं राहु के मुख से छूटे हुए चंद्रमा के समान शरीर को त्याग कर ध्यान द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त होता हूँ। आकाश रूपी आत्मा ही नाम और रूप को स्पष्ट करने वाला है। ये नाम और रूप जिसके अंतर्गत हैं, वही ब्रह्म है, अविनाशी हैं और वही आत्मा है। मैं प्रजापति की सभा में घर की ओर जाता हूँ। मैं ब्राह्मणों का आत्मा हूँ, क्षत्रियों का आत्मा हूँ, वैश्यों का आत्मा हूँ। मैं आत्मा को प्राप्त होना चाहता हूँ। मैं आत्माओं का आत्मा हूँ। मैं बिना दांतों के भक्षण करने वाला रोहित वर्णों की चिकनी स्त्री योनि को प्राप्त ना हूँ, अर्थात पुनः गर्भवास ना करूँ। इस आत्मा ज्ञान को ब्रह्मा ने प्रजापति से कहा। प्रजापति ने मनु को बताया। मनु ने प्रज्ञाओं को सुनाया, जो नियमानुसार आचार्य के घर से गुरु कार्य का निर्वाह करके वेद का अध्ययन समाप्त करके कुटुंब में प्रविष्ट होता है और प्रविष्ट देश में सद्य अध्ययन करता हुआ पुत्र और शिष्यादि को धर्म शिक्षा देता हुआ समस्त इंद्रियों को ब्रह्म की ओर लगाता हुआ शास्त्रानुकूल अन्य प्राणियों को भी पीड़ा न पहुँचाता हुआ जीवन के अंत समय तक व्यवहार करता है, वो देह के अंत होने पर ब्रह्मलोक को पाता है, फिर लौट कर नहीं आता। तो सबसे पहला आत्मज्ञान ब्रह्मा ने दिया था प्रजापति को, फिर प्रजापति ने मनु को दिया, फिर इस तरह से। तो सबसे बड़ा जो गुरु है यहाँ पर ब्रह्मा ही है। और कृष्ण भी वेद और उपनिषद का अध्ययन करते थे, इसीलिए गीता का ज्ञान वो दे पाए थे, ऐसा मैंने जो पढ़कर जाना है वही मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे छांदोग्य उपनिषद समाप्त होता है। श्वेतासुत उपनिषद यहाँ पे शुरू होता है, श्वेतासुतरापौन उपनिषद। ब्रह्म हम दोनों का रक्षण करें, वो हम दोनों का पालन करें, हम दोनों एक साथ समर्थकों को प्राप्त हों, हमारा अध्ययन तेजस्वी हो, हम परस्पर द्वेष ना करें, ओम शांति। ब्रह्मानंदी परस्पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि हे ब्रह्म ज्ञानियों, इस विश्व का आदि कारण ब्रह्म कौन है? वे किसके द्वारा उत्पन्न हुए, किस प्रकार जीवित हैं और किस में भले प्रकार प्रतिष्ठित हैं, और हम किसके आश्रित रहते हुए किसकी व्यवस्था के अनुसार सुख दुख को भोगते हैं? काल, स्वभाव, नियति, आकस्मिक घटना, पंचम महाभूत अथवा जीवात्मा इस विश्व के कारण है। इस पर विचार करो, ये काल आदि इस संसार के कारण नहीं है, क्योंकि वो सुख दुख के कारण रूप कर्मों के अधीन है। जब किसी निर्मल निर्णय पर नहीं पहुँचे, तब वे ध्यान योग में स्थित हो गए, तब उन्हें स्वगुण आच्छादित ब्रह्म दिखाई दिया, जो काल तथा आत्मा आदि सभी कारणों का एकमात्र स्वामी है। उन्होंने एक ऐसे चक्र को देखा जो एक नेमी 3 घेरों 16 सिरों 50 अरों 20 पत्थरों 6 अष्टकों से युक्त विचित्र रूप वाले पाश और एक नाभि से युक्त त्रिमार्ग भेद वाला था। हम 50 भेदों वाली एक ऐसी नदी को देख रहे हैं जो 5 भवरों वाली, 5 घोर प्रभाव वाली, 5 पर्वों वाली, 5 सूत्रों से प्राप्त जल वाली, 5 स्थानों से उत्पन्न, 5 प्राण उर्मियों वाली,
तेण तिरछे प्रभाव वाली तथा पंच ज्ञान रूप मन के मूल वाली है। सबका निर्वाह हेतु, सबका आश्रय स्थान इस विस्तृत ब्रह्म चक्र में आत्मा भ्रमण करता है। वो स्वयं को और परमेश्वर को पृथक मानता हुआ उस परमेश्वर द्वारा अपनाए जाने पर अमृतत्व को प्राप्त होता है। जिसकी महिमा गाई जाती है वो परमेश्वर ही आश्रय रूप अविनाशी है। उसी में तीनों लोग विद्यमान हैं। ब्रह्मज्ञानी जन अंतर में निवास करने वाले ब्रह्म के जानकर उसी में लीन होते और जीवन मरण से युक्त हो जाते हैं। नाशवान पदार्थ और अविनाशी आत्मा के मिलन से निर्मित व्यक्त और अव्यक्त और संसार का भरण पोषण करने वाला परमात्मा ही है। आत्मा उस संसार के विषयों को भोगने वाला होने के कारण इसी में बंधा रहता है, परंतु परमात्मा को जान लेता है तो सब प्रकार के बंधनों से छूट जाता है। ज्ञानी अज्ञानी समर्थ असमर्थ दोनों प्रकार की आत्मा जन्म रहित है। भोगने वाले आत्मा को भोग्य प्रदान करने वाली प्रकृति उससे भिन्न है, क्योंकि परमात्मा अनंत विश्व रूप और अकर्ता है। जब प्राणी परमात्मा आत्मा और प्रकृति को ब्रह्म रूप में पा लेता है तब वह जीवन मुक्त हो जाता है। प्रकृति नाशवान है, इसका भोक्ता आत्मा अविनाशी है। इन दोनों को परमेश्वर अपने अधीन रखता है। उस परमेश्वर में मन को लगाए रखने से प्राणी अंत में उसी में मिल जाता है, फिर उसे मायावृत्ति नहीं होती। निरंतर ध्यान पूर्वक उस परमदेव को जानने पर सर्व बंधन कट जाते हैं। क्लेशों के नष्ट होने पर जन्म मरण नहीं होता। देह त्याग के पश्चात तृतीय नागलोक तक के ऐश्वर्य के त्याग द्वारा पूर्ण काम हो जाता है। अपने अंतर में निवास करने वाले ब्रह्म का ही ज्ञान करना चाहिए। इससे जातज्ञ अन्य कुछ नहीं है। भोक्ता भोग्य और परमेश्वर इन तीनों का ज्ञान होने पर सर्वज्ञानी हो जाता है। इस प्रकार त्रिवेद वाला ये ब्रह्म ही है। जैसे काष्ट में अंतर्हित अग्नि का स्वरूप दिखाई नहीं देता क्योंकि अरणि मंथन होने पर ही वो अपने ईंधन रूप योनि से प्राप्त किया जा सकता है, वैसे ही वे आत्मा परमात्मा दोनों ही देह में प्रणव के द्वारा ग्रहण हो सकते हैं। अपने देह की निम्न अरणि और प्रणव को उत्तर अरणि बनाकर ध्यान द्वारा निरंतर अभ्यास करने पर अरणि में छिपे अग्नि के समान ही परमेश्वर को देखना चाहिए। जैसे तिलों में तिल, दही में दूध, श्रोतों में जल और अरणियों में अग्नि अदृश्य रहता है, वैसे ही हृदय में परमेश्वर अदृश्य रूप से रहता है। जो इसे सत्य और संयम के तप से देखता है वो इसके द्वारा ग्रहण होता है। दूध में व्याप्त घी के समान आत्मा ज्ञान और तप से सुलभ सर्वव्यापी परमेश्वर को जानता है। वही यह जानता है कि वही परम ब्रह्म है, यानी उसके अंदर जो आत्मा है वो ब्रह्म परम ब्रह्म है, यानी वही परम ब्रह्म है। प्रथम हमारे मन बुद्धि को तत्व प्राप्ति के लिए अपने स्वरूपों में लगाकर सविता देव अग्नि के तेज को पृथ्वी के पदार्थ से उठाकर हम में स्थापित करें। हम सविता देव की उपासना में नियुक्त मन के द्वारा स्वर्गानंद की प्राप्ति के निमित्त भक्ति भर प्रयत्न करें। हमारे मन बुद्धि से स्वर्ग और आकाश में विचरण करने वाले तेजस्वी देवताओं को युक्त कर सविता देव प्रेरणा करते हैं। जिस सविता देव में विप्रगण अपने मन बुद्धि को लगाते और यज्ञादि शुभ कर्म करते हैं वो विश्वज्ञाता एक है। उन महान सर्वव्यापक सर्वज्ञ देव की हमें अत्यंत स्तुति करनी चाहिए। हे मन और बुद्धि, तुम्हारे अधीश्वर तथा सभी के आदि कारण ब्रह्म में से मैं नमस्कार पूर्वक युक्त होता हूँ। मेरा श्लोक विद्वान के यश के समान विस्तृत हो। दिव्य लोकों में निवास करने वाले अविनाशी परमात्मा के सभी पुत्र इस बात को सुने। जहाँ अग्नि का मंथन होता है और जहाँ प्राण का विधिवत निरोध किया जाता है, जहाँ सोमरस का प्रकट होता है, उस स्थान पर मन नितांत पवित्र हो जाता है। सविता देव की प्रेरणा से सबके आदि ब्रह्म की उपासना करे, तू उसका आश्रय प्राप्त कर ले तो तेरे पूर्व कर्म इसमें विघ्न उपस्थित नहीं करेंगे। विद्वान साधक को चाहिए कि वो अपने सिर कंठ और बक्ष को ऊंचा उठावे और शरीर को सीधा रखे, फिर मन के द्वारा इंद्रिय का हृदय में निरोध कर प्रणव रूप नौका से सब भयावने स्रोतों से पार हो जाए। विद्वान साधक का कर्तव्य है कि योग साधन में रत होकर विधिवत
चेष्टाएं करते हुए प्राणायाम विधि से प्राण के सूक्ष्म होने पर नासिका द्वारा उसे बाहर छोड़े, जैसे चतुर्सारथी दुष्ट अश्व वाले रथ को भी निर्दिष्ट मार्ग से ले जाता है, वैसे ही सावधानी पूर्वक मन को वशीभूत रखे कंकन बालू या अग्नि से रहित शब्द जल आश्रय के अनुकूल नेत्रों को सुखपद सब प्रकार स्वच्छ और समतल वायु रहित गुफा आदि उत्तम स्थान पर स्थित होकर मन को ध्यानावस्थित करें। ब्रह्म प्राप्ति वाले योग में योगी के समक्ष कोहरा धुआं सूर्य वायु अग्नि जुगनू विद्युत स्फटिक मणि और चंद्रमा के समान अनेक दृश्य दिखाई पड़ते हैं। ये सब योग साफल्य के लक्षण रूप होते हैं। पंच महाभूतों का भली प्रकार उत्थान होने पर और पंच योग संबंधित गुणों के सिद्ध हो जाने पर योग से तेजस्वी हुए देह को पा लेने वाला साधक रोगों जरा मृत्यु से युक्त हो जाता है। देह का हल्का होना आरोग्य भोगों से निवृत्ति वर्ण की उज्ज्वलता स्वर सुष्टभ श्रेष्ठ गंध मल मूत्र की कमी ये सब योग की प्रथम सिद्धि बताई गई है। जैसे कोई चमकता हुआ रत्न मिट्टी लिपटने से मेला हो जाता है और स्वच्छ किए जाने पर फिर दमकने लगता है, वैसे ही योगी आत्मा तत्व को जानकर एकावस्था को प्राप्त होकर सब क्लेशों से मुक्त हो जाता है। फिर वो योगी आत्म तत्व के द्वारा ही दीपक के समान प्रकाश में ब्रह्म तत्व के दर्शन करता है। तब वो आज निश्चल सर्वतत्व युक्त पवित्र परमेश्वर को जानकर सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये परमेश्वर सभी दिशाओं और अनुदिशाओं में व्याप्त हैं। वही परमेश्वर प्रथम उत्पन्न हुआ है, वही सब ब्रह्मांड रूप गर्भ में निवास करता है, वही विश्व के रूप में प्रत्यक्ष हैं और भविष्य में भी प्रकट होगा। वही सर्वतोमुख एवं सब देहधारियों में निवास करने वाला है। जो परमेश्वर अग्नि जल औषधि वनस्पति तथा समस्त लोकों में व्याप्त है, उसके लिए बारंबार नमस्कार है। तो यहाँ पर तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। नेक्स्ट यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे, ठीक है। आज के वीडियो पे इतना ही, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है।